हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं, दोस्तों, बिहार स्पेशल एजुकेटर के एग्जामिनेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो यार, आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बिहार जो स्पेशल एजुकेटर के एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बिलीव मी गाइज, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों के लिए मैं करा रहा हूँ, जो सेशन में आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। एंड आज भर के लिए बहुत सारे छात्र थे जिनको बिहार का जो ये बिहार SSTET का जो पेपर चाहिए था, उसका बैच चाहिए था दोस्तों। और 928 रुपये में जो बैच था, सॉरी 999 का जो बैच था, आज वो सिर्फ 742 का मिल रहा है। आज भर के लिए डिस्काउंट है, ठीक है, आज भर के लिए डिस्काउंट है। अगर किसी को भी बैच चाहिए हो वो 742 में ये पेपर पा सकता है, ठीक है। इसमें आपको 742 में सारी चीज़ें मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे, क्विज भी मिलेंगे आपको, नोट्स भी मिलेंगे बेटा, ठीक है, याद रखिएगा, क्लास भी मिलेंगी, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 742 रुपये में, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपको ऐप पे खुद से लेना है तो लोकेश भी डिस्काउंट लगा लेना, और अगर कॉल करनी है या व्हाट्सएप करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, याद रखिएगा, 91 137 82 617 पर आप लोग व्हाट्सएप कर लेना। चलिए, पहला क्वेश्चन, CNG का मुख्य घटक क्या है बेटा, बताओ, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ CNG, बताओ फटाफट से, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ CNG। बताओ व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ CNG। याद रखिएगा, CNG का इनमें से कोई भी कंपोनेंट मेन नहीं है, बिकॉज मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ CNG, याद रखिएगा, मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ CNG। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से राज्य का दाल बाटी चूरमा बहुत ही फेवरेट भोजन है, बताओ। एंड मेरे से जो पढ़ रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे इस पेपर के लिए, BSSTET के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे से बहुत ज़्यादा, वो राजस्थान से ही हैं। तो बताइए राजस्थान वाले छात्रों, दाल बाटी चूरमा किस राज्य में मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है, बताओ फटाफट से। याद रखिएगा, दाल बाटी चूरमा बहुत ज़्यादा फेमस है, कहाँ का, राजस्थान का। कहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, राजस्थान का बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। सो दाल बाटी चूरमा इज वेरी वेरी फेमस ऑफ राजस्थान, याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कुछ बहुत ही जरूरी दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ फूड्स बता रहा हूँ, भोजन बता रहा हूँ जो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो, जो बिहार है वहाँ का कदीमा का पत्ता और तरुआ, ये बहुत फेमस है। राजस्थान का याद रखेगा कैर सांगरी बहुत फेमस है। दिल्ली का याद रखेगा अमृतसरी नान बहुत फेमस है। उड़ीसा का याद रखेगा डालमा बहुत फेमस है। महाराष्ट्र का याद रखेगा मिसल पाव बहुत फेमस है। पश्चिम बंगाल का दोई माछ बहुत ज़्यादा फेमस है। उत्तर प्रदेश का गलौटी कबाब बहुत ज़्यादा फेमस है। गुजरात का मोहन थाल बहुत ज़्यादा फेमस है। जम्मू कश्मीर का पनीर चमन बहुत फेमस है। छत्तीसगढ़ का द्रोहरी क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ये फेमस फूड्स हैं हमारे, जो अलग अलग जगह के लिए देखने को हमें मिलते हैं। दीज आर सम फेवरेट फ्रूट्स, राइट, फूड्स, याद रखिएगा। बिहार का कदीमा का पत्ता तरुआ, राजस्थान का कैर सांगरी, दिल्ली का अमृतसरी नान, ये सब फेवरेट हैं। क्वेश्चन, नीचे प्याज की खेती को करने की प्रक्रिया दी गई है बेटा, कुछ चरण दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऐसा चरण है जो उचित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वे, बताइए, सही क्रम नहीं है, बताइए, उपरोक्त चरणों का सही क्रम है, ये पूछ रहा है वो, सही क्रम कौन सा है। खरपतवार हटाना, गुड़ाई करना, बीज बोना, प्याज के ऊपर से सूखी पत्तियों को हटाना, प्याज को उखाड़ना, बताइए इनमें से कौन से उचित क्रम में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द करेक्ट वे, राइट।
बताइए, लक्ष्मण प्रजापति दो कह रहे हैं आई एम फ्रॉम जोधपुर, लक्ष्मण जी कह रहे हैं जोधपुर से, राजस्थान से, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है बेटा। सबसे पहले हम घुड़ाई करेंगे, उसके बाद बीज बो देंगे बेटा उस जगह में, फिर उसके बाद हम खरपतवार हटाने का कार्य करेंगे, फिर हम क्या करेंगे प्याज को उखाड़ने का काम करेंगे, और फिर उखाड़ने के बाद सूखी पत्तियां हटा देंगे, याद रखिएगा, दिस इज द होल प्रोसेस। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन होता है, व्हाट इज द करियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ, बताइए मलेरिया जो परजीवी है बेटा उसका वाहक कौन है, उसे लेके चलने वाला कौन होता है, मलेरिया परजीवी का वाहक कौन होता है, बताइए फटाफट से, व्हाट इज द करियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ। बहुत बढ़िया, मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है, तिलचट्टा, घरेलू मक्खी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं गाइस, बताइए। करेक्ट आंसर है दैट इज फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, मादा एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया परजीवी की वाहक है दोस्तों, याद रखिएगा, मलेरिया परजीवी की वाहक कौन है, दैट इज मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो मच्छरों से फैलते हैं बेटा, मलेरिया मच्छरों से फैलता है, डेंगू मच्छरों से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, येलो फीवर मच्छर से फैलता है, जीका वायरस मच्छर से फैलता है, वेस्ट नल वायरस मच्छर से फैलता है, जैपनीज इन्फ्लाइटिस मच्छर से फैलता है, लिम्फेटिक फ्लोराइडिस जो है वो मच्छर से फैलता है, रॉस रिवर फीवर मच्छर से फैलता है, इवन एट ईस्टर्न इक्वेडिन इन्फ्लुएंटाइटिस, ये भी मच्छरों से फैलने वाला रोग है, याद रखिएगा। वाटर इग्लू, इग्लू क्या होते हैं बताओ फटाफट से, अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट आर इग्लू, बताइए व्हाट आर इग्लू, इग्लू क्या होते हैं। तो इग्लू यार देखो, जो ठंड के मौसम होता है ना, ठंड वाली जगहों में होता क्या है इस तरीके का इग्लू घर बनाया जाता है, याद रखिएगा, इन तरीके के इग्लू घरों में अंदर जो है, याद रखिएगा, ये इग्लू का बाहर का जो ठंड से बचाने वाला जो एक आउटर लेयर है, अंदर यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका छोटा दरवाजा होता है, छोटा दरवाजा होता है इसका, ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए छोटा दरवाजा होता है ताकि अंदर की हीट बाहर ना जा सके और बाहर की ठंड अंदर ना आ सके। ये उन्हीं जगह पर देखने को मिलेगा डोम शेप, जहां पर ठंड बहुत अधिक मिलेगी। तो एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है बेटा हाउस का, हट का, बिल्डिंग ब्लॉक्स का, जो कि गुंबद शेप का होता है, याद रखिएगा, और ये ठंड वाली जगह में काफी ज्यादा देखने को हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन, याक भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, याक जो होता है वो भारत के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, बताओ, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा, दैट इज नन ऑफ द अबव। याक जो है बेटा ये बहुत ठंड वाली जगह पे पाया जाता है, लेह लद्दाख वाली जगह पे पाया जाता है, ठीक है, ना सुंदरबन में, ना मध्य प्रदेश में, ना दार्जिलिंग में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गंडक नदी के किनारे भारत और नेपाल की सीमा पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताइए फटाफट से, गंडक नदी के किनारे भारत और नेपाल की सीमा पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताओ फटाफट से आंसर करो, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क, मोर देन वन ऑफ द अबव, बताओ, याद रखिएगा, गंडक नदी के किनारे वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो काफी भारी मात्रा में जो है वो हमें स्थित देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, सुहानी महक वाले पादपों से विभिन्न प्रकार की औषधियां तैयार की जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, बूटी शाक, झाड़ियां, लताएं, विसर्पी लताएं, नन ऑफ द अबव, बताओ क्या कहते हैं हम लोग, सुहानी महक वाले जो पादप हैं उनसे जो अलग अलग तरीके की औषधियां तैयार की जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है,
बहुत बढ़िया, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? बूटी शाक कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य किसका पुनर्भरण है? वसंत, कुआ, नहर, भूजल, बताओ। जो वर्षा जल संचयन होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या है बेटा, याद रखिएगा? ग्राउंड वाटर, भूजल इसका करेक्ट आंसर है। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य भूजल को वापस से भरना, जो पृथ्वी के नीचे जो भूजल है उसको वापस से भरना है, याद रखिएगा। संशोधित तनों के संदर्भ में सही युग्म बताइए। गाजर, शकरकंद, चुकंदर, लहसुन, प्याज, अदरक, उपरोक्त में से एक से अधिक, बताओ। जो संशोधित तने होते हैं उनमें से कौन सा सही युग्म होता है, बताओ? इनमें से कौन सा सही युग्म है संशोधित तनों के बारे में? कैरेट, स्वीट पोटैटो, बीटरूट, गार्लिक, अनियन, जिंजर, मोर देन वन ऑफ द एबव, याद रखिएगा। दैट इज अनियन एंड जिंजर, है ना, प्याज और अदरक, याद रखिएगा, संशोधित तने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पक्षी गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजाति है, ऐसी प्रजाति जिसके ऊपर संकट है बेटा, कौन सा है वो? गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजाति कौन सी है, बताओ? करेक्ट आंसर है, दैट इज यस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना। यह हमारी क्या है? यह हमारी गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजाति है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास के तीन मेन स्तंभ कौन से हैं? सामाजिक, पर्यावरण और समानता। सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक, कल्चरल, इन्वायरमेंटल एंड इक्विटी, एंड मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो बताओ। सतत विकास के तीन स्तंभ कौन से होते हैं, मेन पिलर कौन से होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? करेक्ट आंसर क्या है बेटा? दैट इज सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक, सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक, ये तीन मेन स्तंभ हैं सतत विकास के, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, खाने के बाद फेंके जाने वाली डिस्पोजल प्लास्टिक प्लेट का इस्तेमाल क्यों नहीं होना चाहिए, बताइए। जो हम खाने के बाद फेंक देते हैं ना प्लेट्स को, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? आप सब लोग स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, यस सर लिखिए, जो जो स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहा है, जो उसमें रही है सब लोग, ठीक है, पेपर पास हो जाएगा। तुम लोगों को लास्ट पुश मारना है गाइस, लास्ट पुश मारना है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रमोद कह रहे हैं सर आपका कोर्स लेना है, फीस कम कर दीजिए। भैया 742 आज के लिए फीस है प्रमोद जी, कल से वापस से 928 की फीस हो जाएगी। तो जितना मेरे हाथ में था, जो लिंक हमें मिलता है अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करने के लिए, कि अगर मान के चलो कोई दोस्त मेरे से डिस्काउंट मांगने लगे, मेरा दोस्त कहने लगे कि यार तू टेक्स्ट बुक में काम करता है ना, तो एक काम कर यार, हमारे लिए कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट करा दे, तो जो लिंक हमें मिलता है डिस्काउंट कराने के लिए, उस लिंक से या फिर जो कोड हमें मिलता है उस कोड को मैं अपने छात्रों के साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैं आप में और अपने फ्रेंड्स में कोई फर्क नहीं समझता हूँ। ये वाले से कंपनी को नुकसान होता है, लेकिन हम फिर भी शेयर कर देते हैं, अपने दोस्तों के लिए शेयर कर देते हैं यार, ताकि उनका नुकसान ना हो, ठीक है। तो अगर किसी को लेना है, मैं सच बता रहा हूं, मेरे हाथ में जितना है वो 742 रुपए है, अब इससे कम में तो फिर मुझे पैसा देना पड़ेगा अपने जेब से, समझ रहे हैं दोस्त? करेक्ट आंसर है, दैट इज एज द मेड अप ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा खाना पकाने की कार्य प्रणाली है, बताइए फटाफट से, कौन सा खाना पकाने की है, आंसर करिए। सर ये डर लग रहा है कि दो पेपर होंगे प्रतीक, मुझे समझ नहीं आता बेटा कि ये दो पेपर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, बनाया किसने है, ठीक है। कहीं भी नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये पेपर के बाद एक और पेपर होगा, उन्होंने लिखा हुआ है कि इतनी भर्तियों के लिए हम ये वाला पेपर करा रहे हैं BSTET का, दूसरा पेपर तभी होगा जब उचित मात्रा में छात्र मौजूद रहेंगे,
इस वाले पेपर के लिए 15,000 छात्र नहीं जुटा पा रहे हो तुम, 10,000 जुटा लो, गारंटी है 10,000 छात्र इस पेपर को देने चले जाए तो। 10,000 छात्र नहीं है इस पेपर को देने वाले, 10,000 छात्र इस पेपर को दे नहीं रहे, और तुम चाह रहे हो कि आप क्या करें इसे आगे बढ़ा। द करेक्ट आंसर दैट इज यस, वॉशिंग द वेजिटेबल्स नाइसली एंड देन कटिंग, है ना, सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना और फिर उन्हें काटना। डॉल्फिन एक दूसरे को संदेश देने के लिए अलग अलग आवाजों में संवाद करती है, ये एक दूसरे से संवाद करने में कौन सी ध्वनि का उपयोग करती है बताओ, अपश्रव्य, पराध्वनि, विद्युत ध्वनि, उपरोक्त में से एक से अधिक, बताओ फटाफट से। सर लेकिन सर बीएसएस टेट एक पात्रता परीक्षा है ऑफिशियली, पहले भी भाई मेरे पात्रता परीक्षा के आधार पर ही सिलेक्शन होता था, ठीक है, कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि टेट परीक्षा के पात्रता पर सिलेक्शन नहीं हो सकता, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, इसी पात्रता परीक्षा के नंबर पर मेरिट लिस्ट बना ली जाएगी, ठीक है, ऑफिशियली, ठीक। करेक्ट आंसर है दैट इज यस, याद रखिएगा, अल्ट्रासाउंड, पराध्वनि, ठीक। निम्नलिखित में से पूर्णिमा के दिन मनाए गए त्योहारों का चयन कीजिए, ठीक है, बताओ पूर्णिमा के दिन कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं उनका चयन करना आप लोगों को। अब पढ़ाते हैं, बहुत खूब सुंदर, चलिए धन्यवाद। तो बेटा दो दिन होते हैं, एक पूर्णिमा होती है, एक अमावस्या होती है। अब आप एक बात बताओ मुझे, भगवान राम जी आए थे जब, तो अमावस्या की रात थी तभी तो लोगों ने दीप जलाए, अगर बहुत ज्यादा उजाला पहले से होता तो दीप जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, उजाला नहीं था इसलिए दीप जलाए गए। तो याद रखिएगा, जो दिवाली जहां जहां लिखा हुआ दीपावली वो तो होगा ही नहीं क्योंकि पूर्णिमा पूछ रहा है, तो दिवाली तो होगा ही नहीं। होली बेटा ठीक इसके उल्टा किसको होती है, याद रखिएगा, होली ठीक उल्टा किसको होती है, पूर्णिमा को होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। एक परिवार जो है, मान के चलिए हमारा और आपका एक परिवार है, हम लोग मिलकर क्या करते हैं बताओ, हम लोग क्या करते हैं, यस हम लोग क्या करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ टीवी देखते हैं और साथ में यात्रा करते हैं, याद रखिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द बताइए, आंख, कान, नाक, गला, बताओ अलग शब्द कौन सा है इनमें से, बताओ। करेक्ट आंसर है दैट इज गला, जो गला है वो अलग शब्द है इनमें से, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेहरू पर्वतरोहण संस्थान कहां पर है, ऊटी में है, दार्जिलिंग में है, धर्मशाला में है, उपरोक्त में से एक से अधिक है, बताओ नेहरू पर्वतरोहण संस्थान कहां पर है, यस करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव, है ना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये कहां है, उत्तरकाशी में है, कहां पर है बेटा ये, उत्तरकाशी में है, याद रखिएगा, ठीक है, कहां पर है, उत्तरकाशी में। आगे बढ़ते हैं, पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है, यस पेपर एक के लिए बेटा ये, ठीक है, बताओ पौधे जो होते हैं उनमें जाइलम होता है, जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है, पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है, करेक्ट आंसर है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी का परिवहन, याद रखिएगा, पौधों में जाइलम जो है वो किसके लिए जिम्मेदार है, दैट इज पानी के परिवहन के लिए। बिहार की आर्थिक व्यवस्था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME क्षेत्र की क्या भूमिका है, यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है, यह राज्य के निर्यात आय में योगदान देता है, यह ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देता है, उपरोक्त में से एक से अधिक, बताओ फटाफट से। सर हम कितने, हम यूपी के कितने मार्क्स लाएंगे सिलेक्शन होने के चांस है, भाई तुम लोग बस पास कर लो, जो पासिंग क्रिटेरिया है ना उसको पास कर लो, ऑफिशियली पास कर लिया ना तो ही जिंदगी बन जाएगी, ये लगा लो, मोर देन वन ऑफ द अबव, याद रखेगा। अगला, गर्मियों में पहनने के लिए सबसे आरामदायक कपड़े कौन से होंगे आपके हिसाब से,
बताओ सबसे आरामदायक कपड़े कौन से होंगे गर्मियों में पहनने के लिए? सूती, हल्के रंग के कपड़े, टेरेलिन, उपरोक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर है दैट इज मोर देन वन ऑफ द एबव, कॉटन, लाइट कलर्ड क्लॉथ एंड टेरेलिन। ये तीनों के तीनों याद रखिएगा सबसे आरामदायक कपड़े हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड थी बताओ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड थी? सर फॉर्म में मिस्टेक हो गई, डीवी के टाइम प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्या मिस्टेक हुई है? चलिए करेक्ट आंसर है सबस्टांसेस दैट डेप्लेट ओजोन लेयर, वो सबस्टांसेस जो ओजोन लेयर को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, याद रखिएगा। नालंदा की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? मार्क्स में मिस्टेक कर दिया है लक्ष्मण, ज्यादा भर दिया है कम भर दिए आपने मार्क्स, ये बताओ। मार्क्स ज्यादा भर दिए हैं कम भर दिए हैं? 12th में ऑब्टेंड मार्क्स में मिस्टेक है, ज्यादा भर दिए कम भर दिए बताओ। अगर देखो कम भर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज्यादा भर दिए तो दिक्कत है। ज्यादा भर दिए तो मैं सजेस्ट करूंगा एक फॉर्म और अलग से भर दो, ज्यादा भर दिए तो एक फॉर्म भाई भर लो अलग से, ठीक है। करेक्ट आंसर है दैट इज फिफ्थ, पांचवी। नालंदा की स्थापना किस शताब्दी में हुई? पांचवी में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील इनमें से किस राज्य में है? सर नोटरी से काम चल जाता है। हाँ वैसे चल जाएगा काम वैसे, बट ये कि अगर मार्क्स के आधार पर कट ऑफ बनी ना लक्ष्मण तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। करेक्ट आंसर उड़ीसा। अच्छा कौन सी झील है वो जो उड़ीसा में बहुत फेमस है? अनुच्छेद 53 किससे रिलेटेड है? 53 बताओ सर, परसेंटेज सही है, मार्क्स ज्यादा है, कोई इशू नहीं है, फिर कोई इशू नहीं है। करेक्ट आंसर है दैट इज संघ की कार्यकारी शक्ति, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है? फिर कोई दिक्कत नहीं है यार, क्योंकि परसेंटेज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, परसेंटेज से कट ऑफ में फर्क पड़ जाएगा। तो अगर परसेंटेज तुमने ठीक लिखी है, मार्क्स में गलती हुई तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा भी फॉर्म गलत हो गया है, जिन जिन का फॉर्म गलत हो गया एक बार देखो कि किस तरीके की मिस्टेक है। जैसे कि नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये तो ठीक होने चाहिए, मार्क्स आपके ठीक होने चाहिए परसेंटेज में, ठीक है। टोटल परसेंटेज अगर आप डाल रहे हो तो ठीक होनी चाहिए, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव। कौन सी योजना 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करती है बताओ? याद रखिएगा दैट इज सर्व शिक्षा अभियान, है ना। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार एलजीबीटी समुदाय के लिए जनगणना की? दैट वाज नन ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? दैट इज 5301। गाइज अगर आप में से कोई भी हमारा बैच लेना चाहता है तो सुपर कोचिंग पर जाकर लोकेश भी कोड लगाइए, अगर आप नहीं ले पा रहे तो इस नंबर पे हाई बीएसएस टेट करके, बीएसएस टेट या फिर हाई स्पेशल लिख के, ठीक है, ताकि समझ पाए कि आपको ये बैच लेना है, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पे, 9137826617। सिर्फ आज भर के लिए 742 का बैच है, कल से जो प्राइस हो जाएंगे वो है 928 रुपये बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे हर एक टॉपिक के, आपको क्लास मिलेंगी हर एक टॉपिक की, प्लस में आप लोगों को टेस्ट भी मिलेंगे बेटा, सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जी एवरीवन, थैंक यू, ठीक है।